गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 7, तो हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ रहे थे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अपने एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है जी। जितने भी एडजस्टमेंट्स थे, रिवैल्यूएशन के, रिजर्व के, गुडविल का एडजस्टमेंट, कैपिटल का जो ट्रीटमेंट हमें करना होता है, और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एडजस्टमेंट्स की बातें भी हम लोगों ने काफी कर ली थी, ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, आज भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने से पहले मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने आपको होमवर्क दे रखा था, जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा था क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने अब तक कर लिए होंगे, ठीक है जी। आप लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो होमवर्क के क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट अराइज हो। देखो बच्चे, एडमिशन के इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि मैं आपको हर एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता हूं, बट क्वेश्चंस में जो डाउट आएंगी आपकी, वो मैं आपसे क्या कर सकता हूं, डिस्कस कर सकता हूं। तो मेरे को जो डाउट्स लगता है कि आप लोगों की अराइज होगी, जो मेरे को लगता है कि आपके डाउट्स अराइज हो सकती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो आप लोग ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर 83 आप लोग ओपन करिएगा। तो इसमें क्या दे रखा हुआ है, पॉइंट नंबर ई, ये दे रखा हुआ है कि इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेजेंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इन टू अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बच्चे अभी तक हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे। देखो यहाँ पे करंट अकाउंट अपेयर हो रहा है एक्स और वाई का, तो हम लोग यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे। अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो जब कभी भी हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चे हम लोगों को अपने करंट अकाउंट के बैलेंसेस को राइट ऑफ करना होता है। तो हम लोग राइट ऑफ कैसे करेंगे, हम लोग अपने करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर कहां पे कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। तो ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे हैं एक्स और वाई के, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, और जितने भी ये एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, रिवैल्यूएशन के, रिजर्व के, कैपिटल या फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हम लोग एडजस्टमेंट कहां से करेंगे, कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो बस आप क्या करो, जो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो ट्रांसफर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप लोग 40,000 रुपीज का एक्स का बैलेंस ट्रांसफर करोगे कहां पे, एक्स के कैपिटल अकाउंट में, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, 150 + 40। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स के करंट अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और एक ट्रांसफर एंट्री बस दिखा देनी पड़ेगी। सिमिलरली वाई के करंट अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको वाई के कैपिटल अकाउंट में, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफर एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो पहले आप लोग क्या करना, पहले आप लोग इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर करना, उसके बाद सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना। तो ये बचा था मेरा पॉइंट नंबर ई। तो जब कभी भी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जाएंगे, तो हम लोग अपने करंट अकाउंट के बैलेंसेस को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा हुआ है, एक्स प्रोवाइड रुपीज 50,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो भाई एक्स ने अगर लोन प्रोवाइड करा है बिजनेस को, तो क्या दिक्कत है, बिजनेस को पैसे की जरूरत थी, तो बिजनेस अगर किसी आउटसाइडर से लोन लेता तो उसको तब भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता। यहां पे वो बच्चे अपने पार्टनर से लोन ले रहे हैं, तो यहां पे एक्स को इंटरेस्ट पे करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स यहां पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन्स अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बच्चे लोन अकाउंट को हम लोग एक्स के क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक में हम लोग 50,000 रुपीज का इंक्रीज दिखा देंगे, तो ये 50,000 का बैलेंस अपियर हो रहा है, और इसमें हम लोग ऐड कितना कर देंगे, लोन का अमाउंट, तो बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो 1 लाख तो ये हो गया, और जो भी जेड यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना कैपिटल का शेयर लेकर आ रहे हैं और गुडविल का शेयर लेकर आ रहे हैं, वो भी हम लोग बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये मेरे को दो डाउट्स लगती थी क्वेश्चन नंबर 83 में आपको आ सकती थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे मेरे को क्या लगता है कि आप लोगों को शायद पॉइंट नंबर ई में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो चलो पॉइंट नंबर ई को डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर ई में दे रखा हुआ है, अ क्रेडिट फॉर गुड्स फॉर ₹800 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम बोथ द परचेजेस एंड क्रेडिटर्स ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन द स्टॉक। तो बच्चे हम लोगों ने ₹800 के गुड्स परचेज करे हैं और गलती से हम लोग उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, बट हम लोगों ने जब स्टॉक का वैल्यूएशन करा होगा ईयर एंड में, तो हम लोगों ने इस गुड्स को स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया, मतलब स्टॉक में ₹800 का अमाउंट जो है वो ये इंक्लूडेड है, मतलब 20,000 रुपीज में ये 800 रुपीज इंक्लूडेड है।
बट बच्चे हम लोगों ने एंट्री नहीं पास कर रखी है, तो एंट्री अगर याद करो हम लोग पास करते हैं तो क्या पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बच्चे परचेस अकाउंट को तो हम डेबिट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। हम लोग यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं उसको डेबिट करेंगे, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बच्चे मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर्स 800 रुपीज से दिखा दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो हम लोग यहाँ पे बस इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, 800 रुपए से क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर देंगे थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरे को ये लगता था कि क्वेश्चन नंबर 84 में शायद आपको ये दिक्कत आ सकती थी, तो वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ओपन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में मेरे को लगता है कि आप लोग पॉइंट डी और ई में थोड़ा सा अटक सकते हो। तो चलो पॉइंट डी और ई को हम लोग रीड करते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा हुआ है कि क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹3,200। तो बच्चे क्रेडिटर्स में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूडेड है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी वो लायबिलिटी होती है जो हो सकता है कि मेरे को फ्यूचर में पे करनी पड़े बिकॉज ऑफ एनी इवेंट। अगर कोई ऐसी फ्यूचर में घटना घटित होती है तो हो सकता है कि शायद मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़े। तो यहां पे मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गई है कि भाई जो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की जो हमारी थी ₹4,000 की, कोर्ट ने फिक्स कर दिया है कि मेरे को ₹3,200 पे करना पड़ेगा। मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 4000 की और मेरे को कोर्ट ने फिक्स करा है कि भाई आप 4000 की जगह ₹3,200 पे करिएगा। तो मेरे को लगता था ₹4,000 पेमेंट करना पड़ेगा। बच्चे कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी वो लायबिलिटी होती है जो अभी तक फिक्स्ड ना हो, बट कोर्ट ने इसको क्या करा, फिक्स कर दिया कितना, ₹3,200। तो मैंने ₹4,000 रिकॉग्नाइज कर रखा था बट है कितना, ₹3,200। तो मैं क्या करूंगा, ₹800 राइट ऑफ कर दूंगा क्रेडिटर से थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि बच्चे मेरी ₹800 से लायबिलिटी कम हो रही है, तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहां पे क्या दे रखा हुआ है पॉइंट नंबर ई में, इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेब्ट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। तो ₹2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू द फुल एक्सटेंट। तो ₹2,000 के जो हमारे डेटर्स थे वो क्या हो चुके हैं, बैड डेब्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दूंगा। 4000 ड्यू फ्रॉम इनसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। तो बच्चे मेरे को एक और डेटर से ₹4,000 रिसीव करने थे। मेरे दो डेटर्स थे, एक तो बच्चे ये मान लेते हैं कि ये जो डेटर का नाम था, ये डेटर का नाम था एक्स और ये डेटर का नाम था वाई। तो एक्स ने मेरे को ₹2,000 नहीं दिया, तो मैंने क्या करा, ₹2,000 का बैड डेब्ट लिख दिया। बट बच्चे जो ये मेरे डेटर हैं वाई, मेरे को कहीं से पता चला कि भाई ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो मेरे को क्या होता है, डर लगने लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मेरे को ये पता चलता है कि ये सिर्फ हमें 50% पेमेंट करेंगे, मतलब 4000 में ये 50% पेमेंट करेंगे, मतलब ₹2,000 का पेमेंट करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है, अभी तक बैड डेब्ट्स कंफर्म नहीं हुई, मेरे को लगता है कि बस ये 4000 में मेरे को 2000 का पेमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई एंटीसिपेटेड लॉसेस को बुक कर लो। तो एंटीसिपेटेड लॉसेस कितने के हैं, ₹2,000 के लॉसेस है क्योंकि 2000 का पेमेंट मिल रहा है। तो हम लोग एंटीसिपेटेड लॉसेस को क्या करेंगे, प्रोविजन के नाम से बुक कर लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसका बना लेंगे, कितने का, ₹2,000 का। ₹2,000 मेरे को लगता है कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना लेंगे थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और खास बात दे रखी है कि यहाँ पे जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो भाई 1/2 ए को मिलना है, 1/3 बी को मिलना है, जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और 1/6 हम लोग क्या करते थे, रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहूँ, भाई ये तो 1/6 हम लोग प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2:1/3। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग LCM 6 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6, और बच्चे कितना हो जाएगा, 3/6, 2/6, और बच्चे 1/6 हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर रहे थे, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे। 1/2:1/3 इनका रेशियो दे रखा है, और 1/6 हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल ₹120 आ रहा है, तो हम लोग यहां पे ₹20 रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, और बच्चे ₹60 ए लेकर जा रहे हैं, और ₹40 कौन लेकर जा रहे हैं, बी लेकर जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, तो भाई ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, 3:2 का आएगा। ठीक है जी, 1/6 क्या है, 1/6 ये लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो ऐसा कुछ भी आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का निकालना पड़ेगा, जो कितना आ रहा है 3:2 का आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में मेरे को लगता है कि आप लोग यहाँ पे शायद अटक सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो 86 पे बच्चे पॉइंट नंबर सी पे आना आप लोग, ठीक है जी। पॉइंट नंबर सी पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, मोहन एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। तो मोहन हमारे कोई एक ओल्ड कस्टमर होंगे, उनका अकाउंट जो था वो बच्चे हम लोग बैड डेट्स लिख चुके हैं। बट एक दिन मोहन मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 3,000 रुपए का पेमेंट करूंगा। तो मोहन यहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। मोहन यहां पे प्रॉमिस कर रहे हैं, तो भाई प्रॉमिस को हम लोग थोड़ी ना रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। प्रॉमिस बच्चे मेरा क्या होता है, प्रॉमिस मेरा एक तरीके का इवेंट होता है। प्रॉमिस क्या होता है, इवेंट होता है, बट हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये बच्चे हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हो सकता है कभी कभी बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, तो इसका भी मैंने ट्रीटमेंट बता दिया कि हम लोग उनके प्रॉमिसेस को रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, इट इज मेरली अ इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 86 में मेरे को लगता था कि आप लोग शायद यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। फिर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो क्वेश्चन नंबर 87 के सी पॉइंट पे आना पहले आप लोग। तो यहां पे क्या दे रखा हुआ है, नो एंट्री हैज बीन पास इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेब्ट ऑफ ₹300 रिकवर्ड बाय ए फ्रॉम अ कस्टमर विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर, द अमाउंट इज टू बी पेड बाय ए। अब समझने की कोशिश करना बच्चे, मेरा कोई एक कस्टमर होगा, तो कस्टमर से जो मेरे को अमाउंट रिसीव करना था वो मैं पिछले सालों में क्या कर चुका हूं, इसको मैं बैड डेब्ट्स लिख चुका हूं, इसको मैं बैड डेब्ट्स लिख चुका हूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट बच्चे ये कस्टमर ने एक दिन क्या करा, ए को पेमेंट कर दिया होगा ₹300 का, ए को पेमेंट करा होगा ₹300 का कि भाई मेरे पास अभी ₹300 हैं, आप मेरे से ले लो जो पुरानी डेब्ट मेरे आपको मेरे से रिसीव करनी थी, मतलब जो आपको मेरे को जो आपको पेमेंट करना था, तो उसमें से मैं अभी आपको ₹300 का पेमेंट कर देता हूं। और हम लोग इस बैड डेब्ट्स को, मतलब हम लोग इस डेब्ट्स को जो कस्टमर से रिसीव करनी थी उसको हम लोग बैड डेब्ट्स लिख चुके हैं। हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अपने कस्टमर से रिसीव करना था उसको हम लोग बैड डेब्ट्स लिख चुके हैं। और ए ने क्या करा, ₹300 रिसीव कर लिए, बट हम लोग इसकी एंट्री पास करना भूल गए। तो भाई ए को ₹300 मिल चुके हैं, तो फर्म क्या करेगी, फर्म ए से ₹300 क्या करेगी, रिकवर करेगी। और बच्चे यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरे बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहे हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहे हैं। तो याद करो हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवर की क्या एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बट बच्चे यहां पे मेरे को कैश नहीं मिल रहा है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कैश किसको मिला, ए को मिला है, बट ए ने अभी तक फर्म को नहीं दिया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, ए के कैपिटल अकाउंट को मैं यहां पे डेबिट कर दूंगा। और बच्चे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जगह हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज कर लेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं क्या दिखा दूंगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट, और बच्चे अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹300। तो ये बच्चे पॉइंट नंबर सी था जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था। फिर पॉइंट नंबर डी पे आते हैं हम लोग। तो इसमें क्या दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4900 अगेंस्ट कैश पेमेंट। तो बी अपने घर पे इन्वेस्टमेंट्स लेकर चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है ₹5,000 की। तो ₹5,000 की इन्वेस्टमेंट ये बच्चे अपने मार्केट वैल्यू में ले जाते हैं, मतलब ₹4,900 में ले जा रहे हैं और अगेंस्ट कैश पेमेंट ले जा रहे हैं। तो 5,000 से जो मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई है ₹100 से, तो ₹100 का जो डिक्लाइन है वो हम लोग कहां पे दिखा देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे ₹100 से। और बच्चे ₹4,900 का कैश पेमेंट करा है बी ने और घर लेकर चले गए। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पार्टनर अगर कोई एसेट लेकर जाता है तो हम लोग एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करते थे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। बट यहां पे बी ने क्या बोला कि हम लोग कैश में लेकर जाएंगे, मैं क्या करूंगा, फर्म को कैश में पेमेंट कर दूंगा जितने की मैं एसेट लेकर जा रहा हूं। तो बी यहां पे कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो फर्म क्या करेगी यहां पे, फर्म यहां पे कैश अकाउंट डेबिट करेगी,
तो कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा और बचे इन्वेस्टमेंट फर्म के बुक से जा रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म के बुक से जा रही है, तो कैश अकाउंट हमने डेबिट करा 4900 और बचे इन्वेस्टमेंट कितने की चली गई, 4900 की चली गई। तो ये हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी अगर हम लोग कैश में इन्वेस्टमेंट घर लेकर जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट नॉर्मली जो आप लोग क्वेश्चंस देखोगे उसमें क्या होता है कि भाई हम लोग पार्टनर्स के यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये बच्चे एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन नंबर 87 की, जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था कि आप शायद इन दोनों पॉइंट्स में परेशान हो सकते हो, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 88 तक, क्योंकि जितना भी मैंने कराया उससे रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और जो पॉइंट्स में मेरे को लगता था कि आप लोग शायद परेशान हो सकते हो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो चलो अपने टॉपिक को और आगे लेकर चलते हैं। तो अब हम लोग 89 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 89 आप लोग ओपन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 89। तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा हुआ है, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वॉस। तो यहां पे दीपिका और राजश्री की बैलेंस शीट दे रखी हुई है। तो मेरे को यहां पे जो बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में मेरे को दे रखा है सनरी क्रेडिटर 16,000 रुपीज, पब्लिक डिपॉजिट 61,000 रुपीज। तो बच्चे पब्लिक डिपॉजिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, ये हमारा रिजर्व नहीं होता है। पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब पब्लिक ने मेरे यहाँ पे पैसा कुछ जमा कर रखा है तो वो मेरे को पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। तो ये मेरे को एक आउटसाइडर को पेमेंट करना पड़ेगा जिसने मेरे यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो इसका मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेरे बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। फिर मेरे को दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2,000, कैपिटल अकाउंट दीपिका और राजश्री 48,000 और 40,000, तो टोटल कितना हो गया 88,000 रुपीज। कैश इन हैंड का बैलेंस दे रखा है 1200, कैश एट बैंक का बैलेंस दे रखा है 2800, स्टॉक का 32,000 रुपीज, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सनडी डेटर्स 28,000 माइनस 800 रुपीज, तो 27,200 के नेट डेटर्स दे रखे हुए मेरे को। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज, फर्नीचर 10,000 रुपीज। फिर मेरे को यह दे रखा हुआ है कि ऑन द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। अंशु शैल ब्रिंग इन रुपीज 32,000 एज इज कैपिटल। अंशु इज अनएबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई हर टू द फर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, एक तो बच्चे अंशु जो है वो गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ रही है, और ये लिख रखा है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बच्चे हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। मतलब हमें क्या करना है, हिडन गुडविल में जैसे हम लोग अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते थे वैसे हमें यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो हिडन गुडविल में बच्चे हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाते हैं कि भाई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लेकर आते हैं। तो हम लोग उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते थे और हम लोग अपने एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग उसमें से लेस करते थे और न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग उसमें से लेस करते थे। मतलब हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से लेस क्या करते थे, नेट वर्थ को लेस करते थे, तो मेरे को हिडन गुडविल की वैल्यू पता चलती थी। तो ये बच्चे हमारा क्या, हिडन गुडविल का ही ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पे बोल रखा है कि मेरे को कैपिटल के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है जी। और क्या मेरे को दे रखा है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 60,000, स्टॉक एट रुपीज 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट रुपीज 4,000, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी। तो देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 8,000 बींग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decided to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of Deepika, Rajshri and Anshu. तो मेरे को यहाँ पे revaluation account बनाना है, capital account बनाना है और balance sheet बनाना है।
तो ये बच्चे मेरे को ये पता चल गया कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो मैंने जब आपको हिडन गुडविल पढ़ाया था तब हमने आपसे डिस्कस करा था कि हम लोग इसको अभी फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज हम लोग हिडन गुडविल का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने सेम ऑर्डर को फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैंने यहां पे क्या करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरे को यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो फटाफट से हम लोग अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन के मेरे को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दे रखे हुए, तो वो एडजस्टमेंट्स को मेरे को इनकॉर्पोरेट करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में आ रही है वो कितनी आ रही है, 48,000। तो इंक्रीज है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बाय प्लांट एंड मशीनरी। और इंक्रीज कितने का है, 12,000 रुपीज का इंक्रीज है। तो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद मेरे को दे रखा हुआ है कि स्टॉक का वैल्यूएशन मेरे को 40,000 रुपीज में करना है। तो स्टॉक की वैल्यू मेरे को बैलेंस शीट में 32,000 रुपीज दे रखी है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बाय स्टॉक। मेरे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है 8,000 रुपीज से, तो वो भी मैंने यहां पे लिख दिया। फिर मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करने हैं बच्चे 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज का मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन करना है और बैलेंस शीट में 800 रुपीज का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे को प्रोविजन का अमाउंट इंक्रीज करना है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो मेरा प्रोविजन अपियर हो रहा है 800 रुपीज का और मेरे को क्रिएट कितने का करना पड़ेगा, तो 4000 का प्रोविजन रिक्वायर्ड है। तो मेरे को एडिशनल क्रिएट करना पड़ेगा 3200 रुपीज का प्रोविजन। फिर इसके बाद ये दे रखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू मेरे को दे रखी हुई है बैलेंस शीट में, वो दे रखी है 50,000 रुपीज। तो इसमें बच्चे कितने का इंक्रीज है, इसमें इंक्रीज है 20% का। तो 50,000 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो यह आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने यहां पे वैल्यू कितनी लिख दी, 10,000 रुपीज से इंक्रीज दिखा दिया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर इसके बाद ये दे रखा हुआ है कि फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर को मेरे को डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर की जो वैल्यू आ रही है हमारे बैलेंस शीट में वो बच्चे 10,000 रुपए की आ रही है और मेरे को इसको 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू फर्नीचर अकाउंट। तो 10,000 पे मेरे को 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब 1,000 रुपीज का तो डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,000 रुपीज का हो गया। इसके बाद ये दे रखा है क्वेश्चन में कि देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ रुपीज 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज। दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो हमें क्या करना है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। तो भाई मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और बच्चे 8,000 रुपीज। तो हम लोगों ने अपने रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिए और मेरे को यहाँ पे लगता है कि मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो बच्चे ज्यादा होगा। तो मैंने क्या करा, क्रेडिट का टोटल करा, ये बच्चे टोटल कितना आएगा, 30,000 रुपीज। ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज। तो मेरे को अपने प्रॉफिट्स अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट और बचे टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 3:2 का, मतलब 3/5 इनको मिल जाएगा और बचे 2/5 इनको मिल जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 30,000 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 3,200। तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 17,800 रुपीस। ये मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में। तो बच्चे दीपिका का जो शेयर आएगा वो आ जाएगा 10,680 और बच्चे
जो राजश्री का शेयर आएगा वो आएगा 7120। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है। अब मेरे को यहाँ पे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो मेरे यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, एक है दीपिका, दूसरी राजश्री और तीसरी अंशु। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दीपिका, दीपिका, राजश्री और बच्चे अंशु, दीपिका, राजश्री और बच्चे अंशु। तो तीन पार्टनर्स हैं, तो मेरे को तीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो चलो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो फॉर्मेट आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस लिखने होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो दीपिका का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 48,000 रुपीज और बच्चे राजश्री का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपीज। तो दीपिका और राजश्री का मैंने ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, रीवैल्यूएशन का सबसे पहले एडजस्टमेंट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दीपिका का प्रॉफिट शेयर कितना है, 10680 और बच्चे राजश्री का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है, 7120। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे मेरे को रिवैल्यूएशन के बाद रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना होता है। तो रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। फिर बच्चे रिजर्व्स के बाद हम लोगों को कैपिटल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो भी हमारा नया पार्टनर लेकर आता है। तो अंशु यहाँ पे 32,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आ रही है और गुडविल का कुछ भी शेयर लेकर नहीं आ रही। तो गुडविल का तो चलो हम लोग एडजस्टमेंट उनके करंट अकाउंट से कर देंगे। तो अंशु जो कैपिटल लेकर आ रही है वो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। तो कैश में ये 32,000 रुपीज का कैपिटल लेकर आ रही है, बट गुडविल का कोई भी अमाउंट लेकर नहीं आ रही। तो मैंने गुडविल के लिए क्या लिख दिया, निल। 32,000 रुपीज मैंने यहाँ पे अंशु का कैपिटल लिख दिया, ठीक है जी। मैंने अंशु का कैपिटल कितना लिख दिया, 32,000 रुपीज। तो भाई कैपिटल का तो एडजस्टमेंट अब कर लिया है, अब मेरे को यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और बच्चे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमें यहाँ पे गुडविल का जो कैलकुलेशन करना है वो बच्चे हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस में करना है। तो हम लोगों ने हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था कि भाई हम लोग कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो चलो अब हम लोग वर्किंग नोट्स पे आते हैं। वर्किंग नोट्स पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो वर्किंग नोट, तो मेरे को ये पता है कि भाई अंशु की कैपिटल दे रखी है, अंशुज कैपिटल इज इक्वल टू 32,000 रुपीज। यहां पे आप लोग लिख देना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो अंशु की कैपिटल मेरे को पता है 32,000 रुपीज। अंशु जो हमारे फर्म में आ रही है वो बच्चे 2/10 शेयर के लिए आ रही है। तो मेरे को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की जरूरत है। अंशु 2/10 शेयर के लिए 32,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रही है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा क्या, अंशुज कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, 2/10 के लिए 32,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आ रही है। तो भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा 1,60,000 रुपीज। टोटल कैपिटल मेरे को पता चल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, नेटवर्थ चाहिए। तो नेटवर्थ बच्चे मैंने आपको याद करो लिखवाया था, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का मेरे को बैलेंस निकालना है और बच्चे न्यू पार्टनर का कैपिटल तो मेरे को पता है 32,000 रुपीज। तो ये तो मैंने 32,000 रुपीज तो लिख दिया, ठीक है जी। अब ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस निकालना है। तो याद करो जब मैंने आपको हिडन गुडविल के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं
उसमें फ्री रिजर्व्स ऐड कर दो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर दो, अक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिवैल्यूएशन का लॉस लेस कर दो और एग्जिस्टिंग गुडविल को लेस कर दो। तो बच्चे जो अब हम लोग यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का जो हमें बैलेंस रिक्वायर्ड है, अब समझने की कोशिश करना, जो ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, इसमें बच्चे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, वो बच्चे मैंने यहाँ पे कर दी। रिजर्व्स के बारे में मेरे को कुछ दे नहीं रखा है तो रिजर्व्स का कुछ एडजस्टमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर दे रखा होता तो हम लोग अभी तक कर चुके होते। तो रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स का जो एडजस्टमेंट करना था वो मैंने कर दिया। फिर याद करो बच्चे, हम लोगों को लेस क्या करने होते हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता, क्योंकि मेरे को ऑर्डर पता है कि पहले रिवैल्यूएशन का करना है, फिर रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस का करना है, फिर कैपिटल का करना है, तो कैपिटल मैंने कर दिया। अब गुडविल की बारी आई है, तो भाई जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती अगर मेरे बैलेंस शीट में तो वो भी मैं राइट ऑफ कर देता। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो रिवैल्यूएशन और रिजर्व का प्रॉफिट, ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन लॉसेस और एग्जिस्टिंग गुडविल को लेस कर दो। तो बच्चे ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, मतलब एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 48,000 प्लस 10,680, 40,000 प्लस 7,120 प्लस 32,000 रुपीस। तो चलो यहां पे अगर मैं दीपिका का एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट की बात करूं, तो दीपिका का बैलेंस कितना आएगा, दीपिका का बैलेंस आ जाएगा 48,000 प्लस 10,680। और बच्चे अगर मैं राशि की बात करूं तो 40,000 प्लस 7,120 और इसमें हम लोग ऐड क्या कर देंगे 32,000 रुपीस अंशु का कैपिटल का बैलेंस। तो अगर आप लोग इसका टोटल करोगे, तो कितना आएगा, 48,000 प्लस 10,680 प्लस 40,000 प्लस 7,120 प्लस 32,000, तो ये बच्चे आ रहा है मेरा 1,37,800 रुपीस, 1,37,800 रुपीस। तो मेरे को मेरी नेटवर्थ पता चल गई है, मेरे को टोटल कैपिटल पता है, तो मेरे को अब गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है कि गुडविल की वैल्यू क्या आएगी। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 1,37,800 रुपीस। तो गुडविल की मेरी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 22,200 रुपीस। तो ये क्या आई बच्चे, गुडविल ऑफ द फर्म आई। मेरे को यहाँ पे अंशु का शेयर निकालना है, तो अंशु शेयर इज इक्वल टू 22,200 इंटू 2/10। तो अंशु का शेयर आ जाएगा 4,440। अंशु का शेयर कितना आ जाएगा, 4,440। तो अंशु बच्चे कैश में लेकर नहीं आ रही है अपने गुडविल का शेयर, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट का यूज करेंगे। बट बच्चे मेरे को क्वेश्चन में यहां पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। तो मेरे तीन पार्टनर्स हैं, एक है दीपिका, एक है राजश्री और एक है बच्चे अंशु। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो जो दे रखा हुआ है 3/5, ये दे रखा है 2/5 और इनका क्या है 0। और न्यू रेशियो जो मेरे को दे रखा है वो है बच्चे 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और बच्चे 2/10। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 10, तो ये आएगा 6-5 मतलब 1/10, ये हो जाएगा बच्चे 10, तो 4-3 1/10 और इन्होंने गेन कितना करा है 2/10। तो हमारा सेक्रीफाइस हमेशा गेन के बराबर होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा कितना आ रहा है 1:1। तो मेरे को 4,440 को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना होगा, 1:1 के रेशियो में करना होगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बाय अंशुस करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 4,440 को मेरे को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा,
ट्रिपल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है जी, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर लिया, रिजर्व्स मेरे को दे नहीं रखा था, कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, और हम लोगों ने गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो अगर हम लोग करंट अकाउंट से कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे थोड़ी ना अपेयर होगा, ये तो हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर दिया है और मेरे को क्वेश्चन में कोई और अदर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने पार्टनर्स का बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो टोटल करते हैं अपने क्रेडिट साइड का, तो 48,000 प्लस 10,680 और बच्चे 2,220। तो अगर मैं टोटल करता हूं तो ये मेरा आ रहा है 60,900। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 6,900, और बच्चे बैलेंस भी कितना आ जाएगा 6,900। अगर मैं राजश्री का टोटल करता हूं तो राजश्री का जो टोटल आएगा वो बच्चे कितना आ जाएगा 49,340। तो ये भी 49,340 आ जाएगा, और बच्चे ये भी 49,340 आ जाएगा। अंशु की अगर मैं बात करूं तो 32,000, और बच्चे 32,000 रुपीज इनका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बना लिए। अब मेरे को बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाना है, ठीक है जी। तो चलो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट। तो बच्चे हम लोग जो ये बैलेंस शीट बना रहे हैं वो हम लोग कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं। तो 31 मार्च 2018। तो चलो हम लोग क्विकली बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे कैपिटल के ही बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट दीपिका राजश्री अंशु, दीपिका का बैलेंस आ रहा था 60,900, राजश्री का आ रहा है 49,340, और बच्चे अंशु का आ रहा है कितना 32,000 रुपीस। अंशु का कितना आ रहा है 32,000 रुपीस। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो टोटल कितना आएगा 1,42,240। अब मैं अपने ओल्ड बैलेंस शीट को बेस बनाऊंगा न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो मेरे को दे रखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद बच्चे मेरे को पब्लिक डिपॉजिट दे रखा हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट 61,000 रुपीस। पब्लिक डिपॉजिट के बाद बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपीस। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज मेरे को दे रखा है 2,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के बाद मैं आता हूं इधर साइड पे, तो मेरे को दे रखा है कैश इन हैंड। तो बच्चे 1,200 रुपीज कैश इन हैंड है और 32,000 रुपीज अंशु लेकर आ रही है। तो टोटल कितना हो जाएगा 33,200 रुपीज। फिर मेरे को दे रखा है कैश एट बैंक 2,800 रुपीज। स्टॉक, तो स्टॉक को बच्चे मैंने रीवैल्यू करा था 40,000 रुपीज पे, तो 40,000 मैंने यहां पे लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स 28,000 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स 28,000 रुपीज। तो बच्चे क्वेश्चन में
थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग सही कर लेना। जो यहाँ पे संडी डेटर्स दे रखे हैं वो एक्चुअली में 28,800 रुपीस के, ठीक है जी, 28,800। इसमें से अगर मैं 800 लेस करता हूँ तो यहाँ पे 28,000 रुपीस का अमाउंट आएगा, तो ये हमें लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको सही कर लेना। 28,800 माइनस 800 तो ये कितना होगा, 28,000 रुपीस। तो यहाँ पे भी कितना लिखना, 28,800। और इसमें से मैं प्रोविजन लेस कर दूंगा। तो बच्चे कभी कभी हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है, वो कभी कभी गलत टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने 28,800 को 28,000 रुपीस टाइप कर दिया है, तो बच्चे वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो जाती है, तो ये आ जाएगा 24,800 रुपीस। फिर बच्चे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम लोगों ने रीवैल्यू करा था 60,000 रुपीस पे, तो वो यहाँ पे लिख देना। फिर स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू आ रही है 40,000 रुपीस, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर बच्चे प्रोविजन का हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके हैं, स्टॉक बच्चे हम लोग लिख चुके हैं, स्टॉक शायद मैंने फिर से लिख दिया, तो उसको कट कर देना। फिर दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिख चुके थे, तो मैं जब क्वेश्चन रीड कर रहा था तो प्लांट एंड मशीनरी के बाद जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक दे रखा था, तो मैं फ्लो में था तो मैंने स्टॉक भी गलती से लिख दिया, तो इसको हटा देना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हम लोगों ने 10,000 रुपये से इंक्रीज करी थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी 60,000 रुपीस हो जाएगी। फिर इसके बाद फर्नीचर को हम लोगों ने डेप्रिशिएट करा था, तो 10,000 माइनस 1,900 रुपीस, सॉरी 9,000 रुपीस फर्नीचर की वैल्यू आ रही है, तो फर्नीचर की भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। और अब मेरा क्या क्या चीजें रह जा रही हैं, तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे एक अंशु का करंट अकाउंट ओपन करा था, तो अंशु के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा था, अंशु के करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा था बच्चे 4,440, तो वो फॉर्म को रिसीव करना है अंशु से। और बच्चे हम लोगों ने एक लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की जो लाइबिलिटी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो मैंने क्रिएट करी थी 8,000 रुपीज की, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलो अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे आइटम्स लिख दिए हैं, तो चलो चेक करते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल टैली होता है कि नहीं होता है। तो मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,35,240, और मेरे एसेट साइड का टोटल आ रहा है 2,35,240। तो अगर हम लोगों ने सब कुछ सही कर रखा है बच्चे, तो हमेशा हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो टैली करेगा। अगर हम लोगों ने सब कुछ सही कर रखा है, सारे एडजस्टमेंट सही से कर रखे हैं, तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बच्चे एक बार में टैली हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट का टोटल एक बार में टैली नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को सारे एडजस्टमेंट्स फिर से देखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो कोशिश करा करिए कि भाई जो आप लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो आप लोग एडजस्टमेंट्स प्रॉपरली कर रहे हैं, कि भाई हमारा जो बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो बच्चे एक बार में टैली हो जाए। हम लोगों को जो ये एडमिशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आराम से 15 से 20 मिनट लग जाता है, तो अगर 15 से 20 मिनट डिवोट करने के बाद भी अगर बैलेंस शीट का टोटल नहीं टैली करेगा, तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। हम लोगों को पता है कि अगर हमारा बैलेंस शीट का टोटल एक बार में टैली नहीं करता है, तो बच्चे हम लोग परेशान हो जाते हैं अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाता है। तो हमें बिल्कुल सही से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब प्रॉपरली एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि भाई हम लोग इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, टाइम डिवोट करने के बाद भी अगर हम लोग गलतियां कर रहे हैं तो बच्चे कैसे काम चलेगा। तो जितनी भी गलतियां आपको करनी है बच्चे अभी आप कर लो, एग्जाम में जब आप जाओगे तो आप बच्चे बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर जाना कि हमें एक भी गलती नहीं करनी है। तो अभी इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि भाई एग्जाम में जब हम लोग जाएं तो हमसे एक भी गलती ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 89 था हमारा हिडन गुडविल से रिलेटेड, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करा। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बच्चे मेरे को नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाना पड़ा, फर्म का कैपिटल निकाला, फर्म के कैपिटल में से मैंने नेट वर्थ लेस कर दिया। तो नेट वर्थ के लिए बच्चे मेरे को एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस चाहिए था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करा। न्यू पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को मेरे को पता था, हम लोगों ने गुडविल का कैलकुलेशन करा, अंशु का शेयर निकाला, और बच्चे अंशु गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रही थी, तो हम लोगों ने करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 89 बच्चे अच्छा क्वेश्चन था,
तो ये लोग ये क्वेश्चन जो है वो आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एडमिशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैं अब आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो क्लास ट्वेल्थ के, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो क्लास ट्वेल्थ के, तो बच्चे आपके सिलेबस से ये करंट ईयर में टॉपिक हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कोविड के चलते कुछ सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने हमारा रिड्यूस कर दिया। तो बच्चे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक था अभी तक बच्चे पढ़ते थे, मतलब जिन बच्चों ने मार्च 2020 में एग्जाम दिया है उन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था, बट बच्चे 2021 अटेम्प्ट के लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, क्योंकि जो थोड़ा सा सिलेबस कम किया है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसमें से ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक रिमूव कर दिया गया। तो अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो बच्चे चाहो तो आप लोग ये टॉपिक इग्नोर कर सकते हो, बट मैं आपसे क्या कहूंगा कि आप लोग ये टॉपिक पढ़ो, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, और बच्चों से कंपटीशन में रहना है, आईसीएससी के बोर्ड के बच्चों से भी कंपेयर करना है। आगे के चल के जब हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल में जाएंगे तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में तब पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी से पढ़ के चलें, भले ही हमारे एग्जाम में नहीं आएगा तो इससे क्या हमें मतलब, भाई हमारी नॉलेज एनहांसमेंट तो हो ही रही है। तो नॉलेज एनहांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आप लोग पढ़ लो कि भाई कभी ना कभी तो फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आप लोग पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन होंगे वो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, उसमें कोई चला नहीं जाएगा, उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज एनहांस होगी। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से थोड़ी ना पढ़ रहे, हमें अपनी नॉलेज भी तो एनहांस करनी है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है कोविड के चलते। तो आप लोग चाहो तो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, बट नॉलेज के एनहांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब मैं शुरू करता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू करता हूं। तो ये बच्चे सीए फाउंडेशन लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग सीए लेवल के स्टूडेंट्स हो और अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ लेवल के स्टूडेंट्स थे, मतलब अगर मैं 2021 के अटेम्प्ट के पहले की बात करूं, अगर मैं मतलब मार्च 2020 या फिर 2018 की बात करूं, तो ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था एग्जाम के लिए। एग्जामिनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से मैक्सिमम चांसेस रहते थे कि एक क्वेश्चन पूछ लेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमसे करवा लेगा एग्जामिनर, ये इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे अभी तक, और ये टॉपिक इन लोगों ने हटा दिया। तो जो आपसे सीनियर स्टूडेंट्स होंगे वो ये सब पढ़ चुके हैं, तो सीए फाउंडेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो बताने जा रहा हूं वो बच्चे दो केसेस के थ्रू बताने जा रहा हूं। तो केस नंबर वन यहां पे लिखना, केस नंबर वन एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले मेरे साथ क्या करो, आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको इसको समझा भी दूंगा। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये बच्चे मेरा क्या होता है, केस नंबर वन होता है। तो इसमें हम लोग कैसे क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो वो पहले मेरे साथ लिख लो। तो स्टेप नंबर वन, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फिर हम लोग स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू डिवाइड द अबव टोटल कैपिटल
डिवाइड द अबव टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, इन न्यू रेशियो। फिर बच्चे स्टेप थ्री लिखना मेरे साथ, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत हो, पहले आप क्या करो नोट कर लो। एनी बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दैट इज सरप्लस और डेफिशिएंसी इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चे पार्टनर के करंट अकाउंट में हम लोग तभी ट्रांसफर करेंगे जब बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन जो होगा हमारा अगर साइलेंट होगा, मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि क्वेश्चन में मेरे को बता नहीं रखा है कि कैश में पैसा ला रहे हैं कि ले जा रहे हैं, ये मेरे को बताया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को यूज करेंगे। तो यहां पे लिख लो क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो चलो बच्चे अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे क्या लिखवाया है मैंने आपको केस कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चे समझने की कोशिश करो, हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ए और बी जो हमारे थे वो बच्चे दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 के रेशियो में। सी यहां पे एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और बच्चे सी जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, सी कैपिटल लेकर आ रहे हैं 1,50,000 रुपीस, ठीक है जी। ए और बी की जो कैपिटल दे रखी हुई है बच्चे, कैपिटल जो ये ए और बी की दे रखी हुई है वो आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब हम लोग रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, ठीक है जी, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल ये सी लेकर आते हैं उसका भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी में कर चुके हैं। तो इनकी जो ये कैपिटल निकल के आ रही है बच्चे, कैपिटल निकल के आ रही है इनकी, तो ए का दे रखा हुआ है 2,40,000 और बच्चे बी का कैपिटल दे रखा हुआ है आफ्टर एडजस्टमेंट 1,80,000 रुपीस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये कैपिटल निकाली है 2,40,000 आफ्टर एडजस्टमेंट निकाली है, तो लिख लो चाहो तो आफ्टर एडजस्टमेंट कि हम लोग इसमें रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन का एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं, और जो भी कोई और अदर एडजस्टमेंट है वो भी हम लोग इसमें कर चुके हैं। तो ये कैपिटल निकल के आ रही है। अब बच्चे समझने की कोशिश करो, जो यहाँ पे सी 1,50,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो कितने शेयर के लिए लेकर आ रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए लेकर आ रहे हैं। तो भाई सी जितनी भी फर्म की कैपिटल होगी उसी का तो 1/4 शेयर लेकर आएंगे, क्यों वो एडिशनल कोई शेयर लेकर आएंगे, क्यों वो कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ जाएगा, 1,50,000, तो 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर मतलब 4, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मेरे को पता चल गया 6,00,000 रुपीज। तो भाई 6,00,000 फर्म की कैपिटल है, तो सी कितना लेकर आ रहा है, 1/4 शेयर लेकर आ रहा है, 1,50,000 रुपीज। तो बच्चे जो ये रिमेनिंग 3/4 शेयर होगा, 1/4 शेयर किसका हो गया, सी का हो गया, रिमेनिंग शेयर जो होगा 3/4 का वो बच्चे किसका होगा, ए और बी का होगा। तो रिमेनिंग कैपिटल ए और बी की होनी चाहिए 4,50,000 रुपीज, मतलब 6,00,000 में 1.5 लाख तो किसका है, सी का है। तो रिमेनिंग जो कैपिटल होगा 4,50,000 रुपीज का वो किसका होना चाहिए, ए और बी का होना चाहिए। तो 4,50,000 रुपीज का जो ये रिमेनिंग कैपिटल होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4,50,000 रुपीज का जो ये रिमेनिंग कैपिटल होगा वो बच्चे किसका होगा, ए और बी का होगा, और 1,50,000 किसका है, सी का है। तो सी के कैपिटल के बेसिस में हम लोगों ने टोटल कैपिटल निकाल लिया, और 4,50,000 रुपीज ए और बी का होना चाहिए। मतलब अगर ए और बी का मैं इंडिविजुअली बात करूं तो ए का कितना हो जाएगा, ए का बच्चे हो जाएगा 3,00,000 और बी का हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। तो आप लोग क्या करना, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा,
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 2:1:1। आप लोग इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1:1। तो भाई 6 लाख की जो ये कैपिटल है वो बच्चे किस रेशियो में होनी चाहिए, 2:1:1 के रेशियो में होनी चाहिए। तो अगर आप लोग देखोगे तो 6 लाख का 2/4 अगर मैं करूंगा तो 3 लाख आएगा, 6 लाख का 1/4 करूंगा तो 1,50,000, और 6 लाख का 1/4 करूंगा तो 150,000। तो मैंने क्या करा है, कैपिटल को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई अगर सी 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है, 6 लाख रुपीज है। तो इंडिविजुअली सबका कैपिटल कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए होना चाहिए और 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब ए का 3 लाख रुपीज, बी का 1,50,000 रुपीज, सी का 1,50,000 रुपीज। ठीक है जी। अब यहां पे ए का जो कैपिटल निकल के आ रहा है वो कितना है, 3,40,000 रुपीज है, सॉरी 2,40,000 रुपीज है। तो मैंने यहां पे लिखा 2,40,000 और बी का 180। अब समझने की कोशिश करना, ए का कैपिटल होना कितना चाहिए 3 लाख, बट है एक्चुअली में कितना, 2,40,000 रुपीज। तो ए को यहां पे 60,000 रुपीज घर से लेकर आना पड़ेगा। ए को यहां पे घर से कितना लेकर आना पड़ेगा, 60,000 रुपीज। ए का कैपिटल होना चाहिए 3 लाख रुपीज, बट है एक्चुअली में कितना, 2,40,000 रुपीज। तो ए घर से कितना लेकर आएंगे, 60,000 रुपीज। बी की अगर मैं बात करूं तो बी का जो कैपिटल है, मतलब बी का जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना है, 1,50,000 रुपीज, बट एक्चुअली में 1,80,000 रुपीज है। तो मतलब एक्सेस कैपिटल है, तो ये 30,000 रुपीज घर लेकर चले जाएंगे। तो भाई हम लोगों को यहां पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो मैंने क्या करा, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस में टोटल कैपिटल निकाल लिया। फिर हम लोगों ने यहां पे क्या करा, हम लोगों ने टोटल कैपिटल को, मतलब डिवाइड द अबव टोटल कैपिटल इन द न्यू रेशियो। तो हम लोगों ने यहां पे न्यू रेशियो में इसको डिवाइड करा, और बच्चे जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी आ रही है उनके कैपिटल में, वो बच्चे हम लोग कैश में लेकर आएंगे। अगर कैश में लाने के लिए नहीं दे रखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट को यूज करेंगे। मतलब अगर यहां पे एक घर से कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी। अगर ए लेकर नहीं आ रहे और फिर भी मेरे को एडजस्टमेंट करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ए के करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा कि मेरे को ए से 60,000 रुपीज रिसीव करना है, तो फर्म ए से 60,000 रुपीज रिसीव करेगी। सिमिलरली बी घर लेकर चले जाएंगे कितना, 30,000 रुपीज। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर ये कैश में लेकर नहीं जा रहे हैं तो हम लोग बी के करंट अकाउंट को यहां पे क्रेडिट कर देंगे कि भाई बी जो है हमारे बी को हमें पेमेंट करना पड़ेगा 30,000 रुपीज का। तो इनके लिए, फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि भाई बी को 30,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो बच्चे ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर मेरे को टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तब हम लोग यहां पे देखेंगे कि भाई सरप्लस आ रहा है कि डेफिशिएंसी आ रहा है। अगर सरप्लस आ रहा है तो बच्चे हम लोग घर लेकर चले जाएंगे, अगर डेफिशिएंसी आ रहा है तो हम लोग घर से कैश लेकर आ जाएंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हो सकता है कि भाई आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आप लोगों को ये मेरी बात को समझ में आई होगी कि भाई अगर फर्म का 6 लाख का कैपिटल है तो इंडिविजुअली पार्टनर्स का इतना कैपिटल होना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या करा, उनका नया कैपिटल निकाला और उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना चल रहा है वो मैंने यहां पे लिख दिया। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, न्यू कैपिटल जो होना चाहिए और एग्जिस्टिंग कैपिटल जो चल रहा है, तो इन दोनों में मैंने क्या करा, एक डिफरेंस निकाला कि भाई डिफरेंस क्या आ रहा है, और जो भी सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी है हम लोग कैश में सेटल कर लेंगे। तो ये बच्चे मेरा क्या हो गया, ये मेरा केस नंबर 1 हो गया। तो केस नंबर 1 में हमें ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के कैपिटल का। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा तरीका है, बस मेरे को नए पार्टनर के कैपिटल निकालने और एग्जिस्टिंग उसमें से क्या कर देना है, एग्जिस्टिंग उसमें से कंपेयर करना है, और जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी है वो हम लोग कैश में सेटल कर लेंगे या फिर करंट अकाउंट के थ्रू सेटल कर लेंगे। तो ये मेरा हो गया केस नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं अपने केस नंबर 2 पे। तो बच्चे अब मेरे साथ यहां पे लिखना केस 2।
when capital of new partner is not given, when capital of new partner is not given in the question, तो बच्चे नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है. दैट इज न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो बच्चे क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो कितनी लेकर आ रहा है. ये अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी तक क्या होता था, हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा होता था कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है और अमाउंट भी हम लोगों को दे रखा होता था कि नया पार्टनर हो सकता है 40,000 रुपीज लेकर आ रहा है, 50,000 रुपीज लेकर आ रहा है. तो नया पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आता था और उसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा होता था. तो बच्चे अभी भी नया पार्टनर कैपिटल तो लेकर आ रहा है बट मेरे को अमाउंट नहीं दे रखा गया है कि भाई कितना कैपिटल वो लेकर आएगा. तो ये अमाउंट अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई नया पार्टनर जो आ रहा है उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, वो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे. और जितना भी उसका शेयर निकल के आएगा कैपिटल का, वो बच्चे नया पार्टनर लेकर आएगा. तो चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो मेरे साथ यहां पर लिखना स्टेप 1, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर. तो हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सबसे पहले निकालेंगे. तो ये मैंने अभी क्या फॉर्मूला दे रखा है इसको मैं अभी समझाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है जी. फिर स्टेप टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंटू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर बच्चे एक यहां पे नोट लिखना. समटाइम्स क्वेश्चन सेज दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल in this case new partners capital is equal to combined adjusted capital of old partners. Combined adjusted capital of old partners into new partners profit sharing ratio into new partners profit sharing ratio. तो सर आपने ये सब क्या लिखवा दिया, थोड़ा सा हम लोगों को समझाने की भी कोशिश करें. तो चलो बच्चे अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो केस 2 में बच्चे हमें ये तो पता है
कि हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ ना कुछ कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा, बट कितना अमाउंट वो लेकर आएगा ये मेरे को अब कैलकुलेट करना है। वो कितना अमाउंट लेकर आएगा कैपिटल का वो अब मेरे को यहां पे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने की कोशिश करी, मैंने कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकाला। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालना आता है कि भाई जो भी पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस दे रखे होंगे उसमें मैं रिजर्व्स को ऐड कर दूंगा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा, रिवैल्यूएशन के लॉस को लेस कर दूंगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को मैं लेस कर दूंगा, गुडविल को लेस कर दूंगा। तो मेरे को कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल मतलब मेरे को पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल पता चल जाएंगे और मैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा, टोटल करूंगा और इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मेरे को पता चल जाएगा। तो इसमें से मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को नए पार्टनर का कैपिटल पता चल जाएगा। तो चलो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स मतलब मैं आपको एक कुछ फिगर्स दिखा देता हूं। जैसे कि मानते हैं हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने यही माना है कि हमारे जो दो पार्टनर्स थे वो ए और बी थे, सी हमारे फर्म में आ रहे, तो ए और बी जो हमारे पार्टनर्स थे वो बचे 2:1 के रेशियो के पार्टनर थे। ए का जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस का मतलब जो ए का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस आ रहा है वो बच्चे आ रहे, फॉर एग्जाम्पल ए का जो बैलेंस आ रहा है 2,50,000 रुपीज और बी का आ रहा है 1,50,000 रुपीज। ठीक है जी, सी आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, सी आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। अब अच्छे समझने की कोशिश करो, फर्म का जो टोटल शेयर होता है वो कितना होता है 1, सी ले जा रहा है 1/4, तो भाई ए और बी का शेयर कितना हो जाएगा 3/4, ए और बी का शेयर कितना हो जाएगा 3/4। और ए और बी की अगर मैं कंबाइंड कैपिटल की बात करूं तो ये जो कैपिटल्स मेरे को दे रखी हुई हैं वो बच्चे एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल की बात करूं तो इनका बैलेंस आ जाएगा 4,00,000 रुपीस। मतलब इनका 4,00,000 रुपए का कैपिटल है फॉर 3/4 शेयर, 3/4 शेयर के लिए 4,00,000 रुपए का कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर मेरे को निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर मेरे को निकालना है तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं बच्चे 4,00,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, तो इनटू 4/3 ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मेरे को पता चल जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ जाएगा, 4,00,000 इनटू 4/3। ठीक है जी, अब मेरे को यहां पे जब टोटल कैपिटल पता चल जाएगा तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 16,00,000/3। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 5,33,333। अब मेरे को नए पार्टनर का शेयर निकालना है, तो नए पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू, तो फर्म की कैपिटल है 5,33,333, तो न्यू पार्टनर बच्चे 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे नए पार्टनर का कैपिटल कितना पता चल जाएगा, नया पार्टनर जो आएगा वो बच्चे 1,33,333 की कैपिटल लेकर आएगा। तो हमें यहां पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालना है, तो नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए मेरे को कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स पता होना चाहिए। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अगर मेरे को पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकता हूं। टोटल कैपिटल अगर मेरे को पता चल गया तो भाई जितना भी सी का शेयर होगा उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भाई सी का यहां पे कैपिटल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो यही बचे मैंने आपको लिखवाया था कि जब कभी भी नए पार्टनर की अगर कैपिटल नहीं दे रखी है, जब कभी भी नए पार्टनर की अगर कैपिटल नहीं दे रखी है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को बेस बनाएंगे जिससे कि हम लोग नए पार्टनर की कैपिटल निकाल सके। तो हम लोगों ने यहां पे क्या करा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करा, तो
तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए मैंने क्या करा यहाँ पे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ले लिया अपने ओल्ड पार्टनर्स का और मल्टीप्लाई करा रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर. न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसके बाद वैसे मैंने आपको एक नोट लिखवाया, कभी कभी क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि जो हमारा नया पार्टनर है वो बच्चे, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो बच्चे शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल होगा. तो अभी हम लोगों ने क्या करा, अभी हम लोगों ने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला था, ठीक है जी, टोटल कैपिटल हम लोगों ने निकाला था कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे. बट यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे ये दे रखा है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है वो बच्चे शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल लेकर आ रहा है, मतलब जो भी कंबाइंड कैपिटल होगी हमारे ओल्ड पार्टनर्स की उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अपने नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का वो बच्चे शेयर लेकर आ रहा है तो जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. फॉर एग्जाम्पल यहां पे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज आ रहा है. तो इस सिचुएशन में अगर मैं सी की कैपिटल निकालता हूं तो सीज कैपिटल इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सी की कैपिटल तब कितनी निकल के आएगी, 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज की कैपिटल निकल के आएगी अगर हम लोग कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का ही शेयर लेकर आ रहे हैं. अगर टोटल कैपिटल का शेयर लेकर आ रहे हैं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस में टोटल कैपिटल निकालूंगा और बच्चे सी के शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को यहां पे नए पार्टनर का कैपिटल पता चल जाएगा. तो ये बच्चे हमारा होता था केस टू. तो केस वन में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई केस वन में हम लोग क्या करते हैं, अपने नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल्स को एडजस्ट करते थे. तो उसमें मेरे को पता होता था कि भाई नया पार्टनर कितना लेकर आ रहा है, उसके बेसिस में हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते थे और बच्चे जो भी उनके कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे हैं वो मैं लेता था, मतलब नया कैपिटल, जो नया कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ रहा है उसके बेसिस में हम लोग सबका इंडिविजुअल कैपिटल निकालते हैं और कंपेयर करते थे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल को. मतलब हम लोग सबके एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सरप्लस आ रहा है कि डेफिशिएंसी आ रहा है. तो सरप्लस होता था बच्चे तो वो घर लेकर चला जाता है पार्टनर, डेफिशिएंसी होती है तो वो घर से पैसे लेकर आएगा या फिर हम लोग करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते थे. केस नंबर टू में हम लोगों ने सीखा कि भाई हम लोग नए पार्टनर के कैपिटल को कैसे निकालेंगे. तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो बच्चे कैपिटल लेकर आएगा बट कैपिटल का अमाउंट अगर नहीं दे रखा है तो मेरे को इन दोनों में से मेरे को कोई एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में दे रखा है. तो नॉर्मल केसेस में हमेशा हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि केस टू जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे. अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है जी. तो ये बच्चे मेरे दो केसेस होते थे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों सीबीएसई बोर्ड ने ये दोनों केसेस हटा दिए हैं हमारे सिलेबस से, ठीक है जी. तो चलो अगर आप लोग इसको पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत इजी सा काम था. अब हम लोग आते हैं इसके एक क्वेश्चन में. तो आप लोग ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा हुआ है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 and 1/3 रिस्पेक्टिवली. Their balance sheet as at 31st March 2018 was ₹1,000. Sundry debtors ₹15,000. Stock ₹22,000. Plant and machinery ₹4,000. Sundry creditors ₹2,000. Bank overdraft ₹15,000. A's capital ₹15,000. B's capital ₹10,000. On 1st April 2018, they admitted into partnership on the following terms. C to purchase 1/4 of the goodwill for ₹3,000 and provide ₹10,000 as capital. C brings in necessary cash for goodwill and capital. Profit and losses are to be shared in the proportion of 1/2 to A, 1/4 to B and 1/4 to C. तो मेरे को यहाँ पे नया profit sharing ratio भी दे रखा हुआ है. Plant and machinery is to be reduced by 10%. 500 are to be provided for estimated bad debts. Stock is to be taken at an valuation of ₹24,940.
बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू डेट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू द अबव अरेंजमेंट एंड सबमिट द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो बच्चे मेरे को यहां पर बैलेंस शीट नहीं दे रखी है बट बैलेंस शीट के बैलेंसेस दे रखे हैं. मतलब कि अगर मैं इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट जो है वो टैली कर जाएगी. तो मेरे को सिर्फ बैलेंस शीट के क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस दे रखे हुए हैं और मेरे को ये बताया गया है कि भाई सी जो है हमारे नए पार्टनर आ रहे हैं फर्म में फॉर 1/4 शेयर. तो 1/4 शेयर के लिए 3000 रुपए की गुडविल ला रहे हैं, 10000 रुपए का कैपिटल लेकर आ रहे हैं. और जो ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे वो बच्चे 1/2 टू ए, 1/4 टू बी और 1/4 टू सी. ठीक है जी. फिर यहां पे दे रखा हुआ है कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड. तो प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 500 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स एंड स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940. तो जैसे कि मेरे को पता है कि सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना होता है. तो चलो हम लोग रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहां पे लिखा क्वेश्चन नंबर 90, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. तो चलो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्विकली. तो सबसे पहले मेरे को दे रखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 4000 रुपीज की और 10% से रिड्यूस करना है. तो मैंने यहां पे लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी 4000 का 10% 400 रुपीज. फिर बच्चे 500 रुपीज हमें प्रोवाइड करने हैं बैड डेब्ट्स के. तो मैंने यहां पे लिखा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500 रुपीज. और बच्चे स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940. तो स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 22,000 रुपीज है और मेरे को इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है. तो अगर मेरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे को खुशी होगी. तो मैंने यहां पर लिखा बाय स्टॉक. और कितने से इंक्रीज होगी, तो बच्चे 24,940 माइनस 22,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 2940. तो बच्चे यहां पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है. तो प्रॉफिट हमें अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू एज कैपिटल अकाउंट. तो बच्चे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 2:1 के रेशियो में करना है, मतलब 2/3. टू बीज कैपिटल अकाउंट 1/3. तो अगर मैं टोटल करता हूं, टोटल आ रहा है 2940. तो 2940 माइनस 900, तो 2040 का प्रॉफिट आ रहा है, जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, 2:1 के रेशियो में करना है. तो बच्चे बी का हो जाएगा 680 और ए का शेयर हो जाएगा 1360. तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है. अब चलो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी बना लेते हैं. तो कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स हैं मेरे, एक है बच्चे ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी. ए बी और सी. तो चलो फटाफट से आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो आप लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए होंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं. तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए का है 15,000, बी का है 10,000 रुपीज. फिर हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं. तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आ रहा है 1360 और बच्चे 680 रुपीज. फिर बच्चे मेरे को रिवैल्यूएशन के बाद रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना होता है. तो रिजर्व्स के बारे में भी मेरे को नहीं दे रखा है, ना ही अक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में मेरे को दे रखा है. फिर बच्चे रिजर्व्स के बाद हम लोग कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी हमारा नया पार्टनर फर्म में लेकर आएगा. तो जो हमारा नया पार्टनर है वो बच्चे 3000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है और 10000 की कैपिटल लेकर आ रहा है. तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट
तो 10,000 रुपए का कैपिटल और 3,000 रुपए की गुडविल, तो टोटल ये 13,000 रुपीज लेकर आ रहा है। अब बच्चे मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो मेरे को यहां पे सैक्रिफाइजिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो यहां पे जो मेरे को ओल्ड रेशियो दे रखा है वो कितना है, ओल्ड रेशियो है बच्चे, ओल्ड रेशियो है 2/3, 1/3 और 0। न्यू रेशियो मेरे को क्या दे रखा है, 1/2 to A, 1/4 to B एंड 1/4 to C, मतलब 1/2 is to 1/4 is to 1/4। तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, 2:1:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 2:1:1। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2/4, 1/4 और बच्चे 1/4। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 12 आएगा, 8 - 6, 2/12 एलसीएम लेते हैं तो बच्चे 4 - 3, 1/12 -1/4 कितना हो जाएगा, -3/12। तो बच्चे जितना ही सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। तो ये लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो 2:1 के रेशियो में कर रहे हैं, तो गुडविल भी हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे 3,000 रुपए को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशियो में, तो 2,000, 1,000 और इसका करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट मैं इधर साइड दिखा दूंगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 2 A's कैपिटल अकाउंट 2 B's कैपिटल अकाउंट 2:1 के रेशियो में, तो बच्चे 2,000 और 1,000 रुपीज। तो हम लोगों ने यहां पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। अब बच्चे हम लोग अपने अदर एडजस्टमेंट्स में आते हैं, तो अदर एडजस्टमेंट्स में मेरे को कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है। तो चलो एक बार हम लोग फिर से इसको रीड करते हैं। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू डैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। तो मेरे को यहां पे ए और बी का कैपिटल एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये बच्चे हमारा क्या हो गया, केस वन हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलो हम लोग वर्किंग नोट में आते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले मेरे को टोटल कैपिटल चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, तो बच्चे जो मेरा नया पार्टनर आ रहा है सी, वो बच्चे 10,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए, वो 10,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपीज। टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो गई, 40,000 रुपीज, ठीक है जी। तो अगर टोटल कैपिटल फर्म की 40,000 है तो ए बी सी की इंडिविजुअली कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, न्यू कैपिटल। तो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2/4, इनका है 1/4, इनका है 1/4। तो ए की न्यू कैपिटल हो जाएगी 20,000, बी की हो जाएगी बच्चे 10,000 और सी की हो जाएगी 10,000। अब मेरे को ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस चाहिए, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। तो बच्चे सी का तो 10,000 कैपिटल लाएगा, तो सी ना ही कुछ लेकर आएंगे ना ही कुछ लेकर जाएंगे, बट ए और बी का मेरे को एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर ए और बी का हम लोग एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस निकालते हैं तो क्या करेंगे, बच्चे मैं 15,000 में 1,360 ऐड करूंगा और बच्चे 2,000 रुपीज ऐड करूंगा, तो इनका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 18,360 और अगर हम लोग बी का कैलकुलेट करते हैं,
तो बी का आ जाएगा 10,680 और बचे 1,000 रुपीज, मतलब 11,680 बी का आ जाएगा, 11,680 रुपीज किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो बच्चे जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी निकल के आएगी वो हम लोग कैश में सेटल कर लेंगे। तो बच्चे अब समझने की कोशिश करना, ए का कैपिटल होना चाहिए 20,000 रुपए का और है इनका कितना 18,360, होना कितना चाहिए था 20,000, है कितना 18,360। तो ये घर से कितने रुपए लेकर आएंगे, तो सर ये घर से लेकर आएंगे 1,640। तो ये बच्चे 1,640 ये घर से लेकर आएंगे। और बच्चे बी का कैपिटल होना चाहिए था 10,000 रुपए का बट है कितना 11,680, मतलब 1,680 क्या है एक्सेस है, ये एक्सेस है और बच्चे इनका क्या है शॉर्टफॉल है। तो बच्चे शॉर्टफॉल जो है ए अपना लेकर आएंगे और बी अपना घर लेकर चले जाएंगे। तो ये बच्चे हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो किस में करनी है, कैश में करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाय बाय कैश अकाउंट, ए लेकर आ रहे हैं 1640 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बच्चे बी घर लेकर जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट, बी लेकर जा रहे हैं 1680, ठीक है जी, बी कितना लेकर जा रहे हैं 1680 लेकर जा रहे हैं और ए जो है वो 1640 लेकर आ रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे अब कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा, मेरा कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 20,000, 10,000 और बचे 10,000 क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। तो अब चलो हम लोग यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 11,680 और यहाँ पे आ जाएगा 13,000, 20,000, 11,680 और बचे 13,000 रुपीस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, टोटल कैपिटल निकाला, टोटल कैपिटल को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा और बच्चे ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल निकाला, दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करा और देखा कि भाई ए का जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है, बी का एक्सेस आ रहा है, तो ए शॉर्टफॉल घर से लेकर आएंगे और बी जो है एक्सेस वो घर लेकर चले जाएंगे। तो ये बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब मेरे को बैलेंस शीट बनानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट, हम लोग कब बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो एडमिशन हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2018। तो चलो क्विकली हम लोग बैलेंस शीट भी बना देते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 20,000, 10,000 और बचे 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000 रुपीस। तो कैपिटल के बैलेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर बचे कैश, तो कैश के काफी ट्रांजैक्शन है, तो चलो हम लोग कैश का अकाउंट बना लेते हैं। अगर कैश के काफी ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं तो बचे कैश या बैंक का अकाउंट बना लेना चाहिए, तो चलो हम लोग क्विकली बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपीस और बच्चे सी जो लेकर आ रहे हैं, तो टू सी कैपिटल 13,000 रुपीस और ए भी घर से लेकर आ रहे हैं, तो टू ए कैपिटल, ए लेकर आ रहे हैं 1,640 और बी घर लेकर जा रहे हैं 1,680। तो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का कितना आ जाएगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये आ रहा है 15,640, 15,640, ठीक है जी। और जो बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा वो कितना आएगा, 13,960 रुपीज मेरा कैश का बैलेंस आ जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 13,960। फिर बच्चे कैश के बाद मेरे को दे रखा है डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स अमाउंट दे रखा है मेरे को सन्डी डेटर्स का 15,000 रुपीस और मैंने प्रोविजन बनाया था 500 रुपीस का,
तो माइनस 500, तो मेरे नेट डेटर्स कितने हो जाएंगे? नेट डेटर्स हो जाएंगे मेरे 14,500 रुपीस के। फिर बच्चे मेरे को स्टॉक का बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो स्टॉक हम लोगों ने रीवैल्यू करा था 24,940। फिर स्टॉक के बाद मेरे को दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को मैंने डेप्रिशिएट करा था, मतलब मैंने रिड्यूस करा था 10% से, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3600 रुपीस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4000 का 90%, तो प्लांट एंड मशीनरी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, तो मेरे को क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हुआ है और सेंडरी क्रेडिटर्स दे रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेंडरी क्रेडिटर्स, सेंडरी क्रेडिटर्स 2000 रुपीस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपीस। ठीक है जी, तो चलो अब हम लोग टोटल करते हैं बैलेंस शीट का और देखते हैं कि बैलेंस शीट टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मेरे क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा कितना, 57,000 रुपीस। तो मेरे लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 57,000 रुपीस और एसेट साइड का टोटल भी 57,000 रुपीस आ रहा है। तो अगर मैंने सब कुछ सही कर रखा है तो बच्चे हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा टैली करेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व कर लिए। तो चलो बच्चे अब हम लोग एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो ब्रेक में बच्चे चाय कॉफी आप लोग पी लो, कुछ बढ़िया से आइटम्स खा लो, फिर हम लोग ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।